राजनीति के गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक, खेल के मैदान से लेकर फिल्म की चकाचौंध तक, फिल्म की चकाचौंध से लेकर आम लोगों के घर तक, आम लोगों के घर से लेकर जुलम की अंधेरी दुनिया तक, हर जगह हर समय। बगैर मते या बगैर सिस्टम के नाल नहीं हो सकता, ये आपां सारयां नूं पता। इहदे विच हुण की कहानी सी जी, भी जदों एएस मैनेजमेंट वालों 18/3/2010 नूं एक कमेटी बनाई गई सी, श्री रिकेश गोयल जी उस समय जनरल सकत्तर सीगे उस कमेटी दे, उहदे विच 5 मैंबर चुने गए सीगे, श्री अश्विनी बंसल साहब, श्री वरिंदर डैवड़ जी, श्री बलदेव किशन बत्रा, श्री परमजीत सिंह मावी जी और श्री विजय डैवड़ जी। उहदे विच इह सवाल सर शाही साहब नोट कर लिओ, उहदे विच 18/3/2010 नूं एक कमेटी बनाती जिन्हां जिस कमेटी नूं श्री रिकेश गोयल जी ने अख्तियार देता भी वह एएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाल लगती जमीन के लिए, मतलब उस कमेटी की बजट रिपोर्ट पेश करनगे अते जमीन खरीदण दे अधिकार दिते गए सी। सर 27/3 नूं मीटिंग दे विच होई होगी कन्फर्मेशन होगी कमेटी की, 29/3 नूं जिहड़ी मीटिंग हुई है उहदे विच स्पैसिफिक 5 मैंबरां की कोई रिपोर्ट नहीं आई सी, कोई उन्होंने बजट रिपोर्ट नहीं पेश की भी इन्नी की जमीन है फलाने बंदे तो खरीदनी है, इन्ने कनाल की है, इन्नी चीज़ है। उस तो बाद जी 30 तरीक आ गई, 30 तरीक में रजिस्ट्री करा ली गई श्री रकेश गोयल जी का अखबारा ये कहना भी श्री परमजीत सिंह मावी जी आए एग्रीमेंट की कापी लैके आए तो असी 30 तरीक में रजिस्ट्री करा ली। हूँ ये गल यह है सर, श्री रकेश गोयल जी ने अखबारों में मेरी जोड़ा न्यूज़ दिती सी वर्शन दिता सी भी 18 दिन तो बाद 20 तरीक न कमेटी ने सौदा तय कर लिया, 26 तरीक न कमेटी ने एग्रीमेंट कर लिया जमीन का। हुण सवाल इत्थे ये आता है जी, तुसी सारे बुद्धिजीवी बैठे हो भी जदों एक 18/3/2010 बनाई गई कमेटी की कन्फर्मेशन 27/3/2010 हो रही है तो 20 तरीक न सौदा किमें तय हो गया, एग्रीमेंट किमें हो गया 26 तरीक न, हाउ कैन पॉसीबल? लॉजिकली जवाब देना, 18/3/2010 एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने लैंड खरीदने के अधिकार दिए गए, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट करना। इट वॉज यूनानिमसली रिजोल्व टू परचेज सूटेबल लैंड एंड नेसेसरी बजट एलोकेशन फ्रॉम एएसआईएस फॉर खन्ना ट्रस्ट एंड यूनिवर्सिटी टू कंसर्न इंस्टीट्यूशन बी ट्रांसफर द फॉलोइंग मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी वाज ऑथराइज्ड टू परचेज द लैंड। उन्होंने लैंड का सौदा तय कर लिया। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ 26/3 ਕਿੱਦਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਗਜੀਕਿਊਟ
ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ 11/9/15 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, 23 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਆਹ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੈਣ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਲੈਣ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖੀ ਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰਸੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪਬਲਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
साहब डाली साहब सारे सोसाइटी के मैंबरां दे मैं ध्यान दे विच लिया के एक गल जरूर लियानी चाहना वी जेडे इलेक्शन हुंदे ने एक गल तां पक्की है जिन्ना स्कूल कॉलेजां दे विच कईयां दा इंटरस्ट हुंदा मैक्सिमम मैंबर दा वी स्कूल कॉलेजां दी डिवेलपमेंट दा कम कीता जाए ई मैंबरां दा सिर्फ इक्को कम आ कि मेरी कुर्सी ते एह लोग बैठे आ इहनूं सिखाउणा वी बाहर बैठ के कीवें नच्चिया जांदा ते नच्चा जांदा ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਗਏ ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ कुछ गलत हो रहा है इस तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता ये गलत गलती है जो कोई गलत कहता है कि मैं उसकी गलती करना है मैं आ करता है तो इस गलत मेरा मानना भी सही है मेरे बच्चे भी किसी संस्था में पढ़ते हैं छोटे थे मैं ये कहना चाहता मैं एक कंप्लेंट की थी कि किसी मैं नहीं दसा सकता संस्था में तो किसी मेरी उस कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रिंसिपल एएस मॉडल को कंप्लेंट दे दी है मैं उसका चुप हो गया किसी ने कहा कि चलो गलत नहीं करने का नहीं की हूँ आई गल घोटाले की या मिसमैनेजमेंट हर एक चीज को पता है कि कोई भी चीज रहनी है बाजार तो एक सिंपल जी गल कोटेशन है ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਘੁਟਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਗਈ ਆ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਮਸੀਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ